वंदे मातरम मित्रों, आज पुनः आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ इस श्रृंखला में सर्दी का आहार नहीं होने देगा बीमार। इसके अंदर आपने क्या काम करना है, जैसे मैंने अभी दो वीडियो बनाई है, अभी ये तीसरी बना रहा हूँ, इसमें आपने क्या करना है, ये हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है, चाहे आपके उच्च रक्तचाप हो मतलब हाई बीपी हो या लो बीपी, उसमें भी काम करेगा। फेफड़ों से संबंधित रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई भी बीमारी, उसमें भी काम करेगा। आपके जो चरम रोग है उसमें भी काम करेगा। आपके जोड़ों के दर्द है उसमें भी, आपको पेशाब से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, माता बहनों को जो दिक्कत है, भाइयों की, उनमें सब में काम करेगा। एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है। इसमें आप क्या करेंगे, पहाड़ी गोखरू लेके आएंगे आप 300 ग्राम, उसका पाउडर कर लेंगे। 200 ग्राम उसके अंदर आप सतावरी डालेंगे, वो भी पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए। 100 ग्राम उसके अंदर आपने जो डालना है, ये अपना जो छोटी पिपली होती है इसका मूल का, इसकी जड़ का आपने पाउडर डालना है। साथ में आप क्या करेंगे, 50 ग्राम अलसी, ये आप रोस्ट की हुई सेकनी सेकी हुई होनी चाहिए, घी में थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेना, भून लेना। उसके बाद 50 ग्राम आपके पास अलसी होगी, 50 ग्राम आपने इसके अंदर जो डालना है काली मिर्च, इसको भी आप रोस्ट कर लीजिए, घी के अंदर फ्राई करना है फिर उसको। उसके बाद आपने क्या करना है, बबूल का गोंद ले लेना है, वो आपने 200 ग्राम ले लेना है, उसको भी आप घी के अंदर फ्राई कर लीजिए, फिर पीस लीजिए। ये 4-5 चीज़ें हो गई। आपने इसके अंदर करना क्या, मिलाने के लिए आपने लेना है, सबसे बड़े जो तरीका बता रहा हूँ, या तो आप इसके अंदर डालिए अपना साथ में नारियल का जो पाउडर होता है पीस के, वो करीबन 200-300 ग्राम, और मुलठी पाउडर इतना ही, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा मात्रा में आपने डालना है उसके अंदर गेहूं का आटा, ऑर्गेनिक होता सबसे बेस्ट है। मान के चलो आपने 250 ग्राम गेहूँ का आटा डाला, 250 ग्राम चने का आटा, जो पीस भुना हुआ चना, अपने भुने हुए चने बोलते हैं उसका आटा, और 250 ग्राम आपने जो का आटा उसको सेक लेना, 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा, ये चारों आटे मिक्स कर लिए। करने के बाद आप इसको मिक्स कीजिए, मिक्स करने के बाद स्वाद अनुसार उसमें या तो ऑर्गेनिक देसी खांड होनी चाहिए, या फिर आपके पास अपने पास मिश्री हो वो डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, और इनको सबको मिक्स करके आप उसमें घी के अंदर डाल के थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से सेक लीजिए, और आप इसके लड्डू टाइप बनाने की कोशिश करो तो वो फायदेमंद है, और या ना करें तो आप क्या करें, गुड़ की चाशनी बनाइए, उसके अंदर इसको मिक्स कर लीजिए और छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। एक तरह से आपके इसकी बर्फी टाइप भी बन गया, लड्डू टाइप में भी बन गया। इससे फायदे क्या है, आपके हार्ट रोग कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, हाई बीपी भी ठीक हुआ, जोड़ों के दर्द भी ठीक हुए, बहुत अच्छा फायदेमंद योग है। तो आप इसका सेवन करें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।